नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। आज बात करेंगे राहु ग्रह के ऊपर। आज 7 मार्च 2019 को सुबह 7:45 पर राहु देव ने 18 साल बाद अपनी उच्च की राशि मिथुन में प्रवेश किया है, यानी केतु अपनी उच्च की धनु राशि में और राहु देव अपनी मिथुन राशि में 18 साल बाद अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि और धनु राशि के लिए तो विशेष फलदायी योग बन रहे हैं। अब इसमें राहु देव जब भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण में देखेंगे, जब भी राहु देव चेंज होते हैं, किसी भी राशि में बदलाव करते हैं, तो 12 की 12 राशियों में एक अलग हड़कंप मच जाता है। किसी में अच्छा, किसी में बुरा फल देंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मेष राशि में, आपकी वृषभ राशि में, आपकी अपनी किस राशि के अंदर क्या राहुदेव फल दे रहे हैं और उसका क्या उपाय करना है। बड़ी रिसर्च करके, बड़ी तैयार करके हमने कुछ एक लेख आप सबके लिए तैयार किया है दोस्तों, इसको आपने बड़ा ध्यान से समझना। अभी राहु आज मार्च 2019 में जब ये ट्रांसफर हो रहे हैं अपनी दूसरी राशि से, आज अपनी मिथुन राशि में आ रहे हैं उच्च की राशि में, तो आप ये समझिए कि राहु देव जब अगली बार जब प्रवेश करेंगे तो ये 23 सितंबर 2020 को प्रातः 5:30 ये अपनी मिथुन राशि से वृषभ राशि में चले जाएंगे, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं ना, उल्टे चलते हैं। तो राहु देव 2020 में सितंबर तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं, जो कि इनकी उच्च की राशि है। तो आप इस राहु देव का मिथुन राशि में आने से मेष राशि को और बाकी तुला राशि को, कुंभ राशि को, बाकी राशियों में क्या फल है, आइए जानते हैं। राहु देव का सबसे पहले नेचर क्या है। राहु देव बहुत तेज तरार ग्रह हैं, इंटेलिजेंट हैं, केंची हैं, तीखी धार हैं, तलवार हैं। रुके हुए काम को चलाना और बने बनाए काम को बिगाड़ना, राक्षस बुद्धि के ग्रह, छाया ग्रह, राक्षस ग्रह, अमृत पीने के बाद में देव रूपी ग्रह माने जाने लगे। ये राहु देव की मैं बात कर रहा हूँ। राहु देव का यदि दोस्तों अगर आपने सही ढंग से उपाय कर लिया और राहु देव के बारे में अगर पॉजिटिव थिंकिंग रख के आपने उपाय कर लिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते राहु देव आपको क्या दे सकते हैं। 18 साल बाद जब कोई ग्रह अपने घर में आता है तो उसकी एक अपनी खुशी होती है। जैसे आप विदेश में गए, अलग अलग घरों में गए, कभी किसी कंट्री में गए, कभी किसी कंट्री में गए, वर्ल्ड टूर करके जब आप 18 साल बाद आप अपने घर जाओ, या 5 साल बाद जब आप अपने घर वापसी करते हो, तो आपको कितनी खुशी होती है। मैं उसी खुशी की बात कर रहा हूँ। राहु देव अपनी मिथुन राशि में, उच्च की राशि में आ गए हैं। तो बात कर रहा हूँ सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वाले व्यक्तियों को मिथुन राशि, अब इसमें पॉइंट क्या है कि आप अपना चंद्रमा से जो आपकी राशि बनती है, तो जिनको अपनी जन्म राशि पता है वो अपनी जन्म राशि से देखेंगे और जन्म राशि के मुताबिक ही हम सब कुछ आपको बता रहे हैं। अगर आपको आपकी जन्म राशि पता है, जन्म राशि मेष राशि से मिथुन राशि में, यानी तीसरे घर में, तीसरा घर कुंडली में, भाव में, लग्न में देखेंगे, या लग्न से भी देख सकते हैं। लग्न से देखेंगे तो तीसरा भाव पार्टनरशिप का है, पराक्रम का है, कॉन्फिडेंस का है। तो जब मेष राशि वाले व्यक्ति के तीसरे घर में आएंगे तो पार्टनरशिप होने के योग बनेंगे, नई नई पार्टनरशिप बनेगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को, मेष राशि वाले व्यक्तियों को इस साल पार्टनरशिप, मतलब सितंबर 2020 तक पार्टनरशिप से फायदा होगा। ये कह सकते हैं कि भाई बहनों के साथ भी संबंध कुछ न कुछ अच्छे हो जाएंगे और कहीं ना कहीं राहुदेव आपके कुछ रिलेशन खराब भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु देव की स्थिति अच्छी नहीं है, नीच राशि के हैं, या अष्टम स्थान पे बैठे हैं, या कहीं और बैड प्लेस में बैठे हैं, यानी 12th हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं भी अगर बैड प्लेस में बैठे होंगे तो बुरा भी कर सकते हैं। जनरली मेष राशि को तीसरे घर में लाभ देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में मनमुटाव हो सकते हैं, थोड़ा उनकी सेहत की भी आपको चिंता रह सकती है। आर्थिक लाभ, धन दौलत आपको बहुत मिलेगी। मेष राशि वालों को राहु देव ने माला माल कर देना है, धन दौलत भरपूर देनी है, तसल्ली करा देंगे आपकी, आप सोच नहीं सकते। यात्राएं बहुत होंगी और विदेश यात्रा पक्का होने के चांसेस बनते हैं।
फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बहुत है इस वर्ष आपके। अगर आप फॉरेन के लिए प्लान कर रहे हैं या फॉरेन की एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो मान के चलिए आपकी लॉटरी निकल गई। मेष राशि वाले व्यक्तियों को तीसरे घर में राहु उच्च के आने की वजह से आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। बुधवार के दिन तिल के लड्डू आप मार्केट से खरीद लीजिए या घर में बना लीजिए। तिल के लड्डू आप बुधवार के दिन मंदिर में जाकर के जो भी कोई गरीब व्यक्ति बैठा हो सामने मंदिर के बाहर उन्हें आप खिला दीजिए, दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपके राहुदेव और प्रसन्न होंगे और आपको बड़ा लाभ मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को दूसरे भाव में गोचर करेंगे। अब दूसरे भाव में जब गोचर करते हैं राहुदेव तो धन स्थान हो गया दूसरा, तो धन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। धन कम आएगा कि ज्यादा मैं बताता हूं आपको। अगर आपकी कुंडली में राहुदेव उच्च के हैं या राहुदेव बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो सेकंड में जब गोचर करेंगे तो मान के चलिए बहुत 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 फायदा देने वाले हैं। वृषभ राशि या वृषभ लगन से देखेंगे तो मिथुन यानी सेकंड हाउस हो गया। सेकंड हाउस मतलब धन का, तो धन बढ़ने के चांसेज है, धन बहुत ज्यादा बड़ा धन मिलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में नीच के हैं तो हो सकता है बड़े धन की हानि भी दे दें, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा वाद विवाद से बचे, कड़वे वचनों से बच के रहिएगा। कड़वे वचन थोड़ा माहौल बिगाड़ सकते हैं, थोड़ी स्थिति खराब कर सकते हैं। फाइनेंशियल कुछ उलझने हो सकती है बशर्ते अगर नीच के हों तो। अगर उच्च के हैं या नॉर्मल हैं तो आपको वृक राशि वालों को राहुदेव बहुत बड़ा फायदा देने वाले हैं। अब केतु आठवें घर में रहेंगे तो भ्रमण भी बहुत कराएंगे। ये साल आपकी जर्नी बहुत होगी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आप। घूमना फिरना बड़ा लगा रहेगा, जर्नी को नए बिजनेस की रूपरेखा भी बनाएंगे। ऐसा काम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश के साथ जुड़ा हुआ उसमें बहुत ज्यादा लाभ देंगे आपको। लेकिन दूसरे की जिम्मेदारी गारंटर मत बनिएगा, बड़ा धन आपका फंस सकता है। उपाय के तौर पर वृष राशि वाले व्यक्ति भैरव मंदिर में जाकर के काले रंग की ध्वजा चढ़ा दीजिएगा बुधवार के दिन या संडे के दिन। अगर आप ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए वृष राशि वालों को राहुदेव ने मालामाल कर दिया, खुशियां दे देंगे। बात करूंगा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले व्यक्ति 7 मार्च 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की लगन में या मिथुन राशि में राहुदेव उच्च के होके बैठेंगे, मान के चलिए आपकी जिंदगी का लॉटरी का टाइम शुरू हो गया है। नया मकान की प्लानिंग बना रहे थे तो नया मकान बना देंगे क्योंकि आपके लगन में रहेंगे, मिथुन लगन में, और आपकी राशि है तो आपकी राशि में सेंटर प्लेस। तो आपकी हेल्थ में जो पुरानी बीमारियां चल रही थी उनको भी खत्म कर देंगे, रोग को भी खत्म करेंगे। हाँ, शराब पीने की लत ना लग जाए इस बात का ध्यान रखिएगा। शादीशुदा जिंदगी है तो थोड़ा दाएं बाएं लेफ्ट राइट वाली चीजों से बचिएगा, गलत कामों से बचिएगा, उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि सातवें भाव में केतु पत्नी को कष्ट देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड परेशानी आती है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम आती है या वाइफ को गुप्त प्रॉब्लम आती है, गुप्त अंगों की प्रॉब्लम आती है, लेडीज प्रॉब्लम कुछ क्रिएट होती है तो आपने तुरंत उसका इलाज पानी दवा पानी जरूर करना है। उपाय के तौर पे मिथुन राशि वालों को इस वर्ष स्पेशली मिथुन राशि वालों के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कर लो। अरे नारायण जी आनंद आ जाएंगे, सच्ची में कह रहा हूं, आप बोलोगे नारायण जी मजा आ गया। सिर्फ 8 मुखी रुद्राक्ष और मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ के आया करो, बोल बोल के सुना के आया करो। बात करूंगा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को 7 मार्च 2019 से जो राहुदेव परिवर्तित हुए हैं, आपकी कुंडली में 12वें भाव में संचरण करेंगे।
अब 12वें भाव में जब विचरण करेंगे तो क्या करेंगे, विदेश यात्रा के रास्ते खोल देंगे, खर्चे बढ़ा देंगे, लग्जरी की चीज़ों पे खर्चा करना शुरू कर देंगे, अनाप शनाप खर्चे शुरू हो जाएंगे आपके, सिर्फ किस चीज़ पे, मौज मस्ती पे, ट्रैवलिंग पे, फ्लाइट टिकट ले रहे हैं, जहाँ आपको 20,000 रुपये की टिकट मिलनी चाहिए वो 25 की मिलेगी, 25 वाली 50 की मिलेगी, अर्जेंट में फ़्लाइट लेनी पड़ जाएंगी, ऐसी चीज़ें आपकी करक राशि के अंदर 12वें घर का राहु, आपने इन्होंने अपना काम करना ही करना है। सेहत की बात करूं, सेहत अच्छी रहेगी लेकिन छोटी मोटी परेशानियां चलती रहेंगी। हाँ, मानसिक परेशानी बहुत रहेगी, करक राशि का स्वामी चंद्रमा, और जब करक में करक राशि वालों को जैसे 12वें घर का राहु आता है तो क्या है, थोड़ा हाइपरनेस बढ़ जाती, चिंताएं बढ़ जाती, चिंता बढ़ जाती हैं, छोटी छोटी बात पे वहम करना, शक करना, नेगेटिविटी, इनसे आपने बचना है। और देखो तो समुद्र के किनारे अगर जाने का मौका मिले तो चले जाइएगा, मजा आ जाएगा, राहुदेव प्रसन्न हो जाएंगे। और राहुदेव को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना और भैरव जी की आराधना आपको करनी चाहिए, करक राशि वालों को। ये उपाय करेंगे तो राहुदेव ने रिजल्ट आपकी फेवर में देने शुरू कर देने हैं। भाई देखो, किसी की आराधना, जब आप अपने से किसी बड़े आदमी के आगे हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, चाय कॉफी पूछते हैं, तो सामने वाला कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, खुशी तो मिलती है ना। इसी तरीके से जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे जो पीर पैगंबर हैं, जो ईश्वर हैं, जब हम उनके लिए कोई प्रेयर करते हैं, उनको हम ऑफर करते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए ये प्रेयर कर रहा हूँ, मेरे कष्ट दूर करो, तो प्रभु भी देखते हैं कि भाई हाँ, इस बच्चे को कष्ट है तो ज़रूर दूर करूँ। तो कहीं ना कहीं आप ये करक राशि वाले उपाय करें। बात करेंगे सिंह राशि वालों को, राहु ग्रह क्या फल देने वाले हैं 7 मार्च 2019 से सितंबर 2020 तक, अपनी मिथुन राशि उच्च में आए 18 साल बाद। तो सिंह राशि वालों को 11वें भाव में यानी इनकम भाव में राहु मतलब मजे ही मजे, लॉटरी, बड़ा अकस्मात धन प्राप्ति के योग, बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो जाएगा, बैंक से बड़ा लोन लेना पड़ेगा, फायदे में अच्छा रहेगा, बड़ा लोन मिलता है सिंह राशि को, ले लीजिएगा। सफलता, सक्सेस आपके पांव चूमेगी, खुशियां मल्टीपल होने वाली हैं सिंह राशि को राहु। जनरली सिंह राशि में सूर्य स्वामी शत्रु हानि देते हैं ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जन्म लगन से या जन्म राशि से राहु देव 11वें घर में छप्पड़ फाड़ के देने वाले हैं आपको। बस विद्यार्थियों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, IPS की तैयारी कर रहे हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या स्पेशली कोई बिजनेस मैनेजमेंट की एजुकेशन कर रहे हैं, आप मान के चलिए सिंह राशि वालों को यह वर्ष बहुत सक्सेस वाला रहेगा। जो आपके सीनियर लोग हैं, स्टूडेंट्स के जो सीनियर हैं, उनका मान सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, तो राहुदेव और प्रसन्न होंगे। उपाय सिंह राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कुत्तों को आपने खाना खिलाना है, यानी दरवेश की सेवा करनी है, यानी स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, और काले और सफ़ेद रंग के कंबल मिक्स कर लीजिएगा, एक काला एक सफ़ेद कंबल बुधवार के दिन दान कर दीजिए। उपाय कीजिए, रिजल्ट कुछ और होंगे, मजा आ जाएगा आपको। बात करेंगे कन्या राशि वालों को, राहु देव अपनी उच्च की मिथुन राशि में आने के बाद 2020 सितंबर तक क्या फल देने वाले हैं। तो कन्या राशि वालों को 10वें घर में, बिजनेस हाउस में, पिता के घर में राहु देव आए हैं, इसका मतलब बिजनेस में बुलंदियां छूने वाले हो, नए बिजनेस की रूपरेखा बनने वाली है। कन्या राशि वालों की चांदी चांदी है, 9th हाउस में बिजनेस डेवलप करेगा, पुराने बिजनेस को हाई कर देगा, नया बिजनेस है उसको और ऊपर ले आएगा। कन्या राशि वालों को धन की बचत होगी और इस साल में कुछ बड़े बड़े काम होंगे, नए आपके कुछ रास्ते क्लियर होंगे, जो कई दिनों से प्लानिंग चलती आ रही थी वो सब चीज़ें ठीक होंगी। कन्या राशि वालों को अगर राहु की दशा चल रही हो या चंद्रमा की दशा चल रही हो तो आपका कोई मान के चलिए बिजनेस में चेंज होगा, बदलाव होगा,
राहु या चंद्रमा की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तो उस दशा में परिवर्तन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। कुल मिलाकर के आपकी फेवर में है। हाँ, केतु चौथे घर में आ जाएंगे तो माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, फिसल के ना गिर जाएं, या उनकी हेल्थ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो तुरंत इलाज कराएं, उनके मेडिकल टेस्ट पूरे करवा लीजिए। तो चौथे घर में कहीं ना कहीं माता को थोड़ा कष्ट का चांसेस हैं। उपाय के तौर पे श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और बजरंग बाण का पाठ डेली करें तो बहुत अच्छा रहेगा। माता का आशीर्वाद लिया करें, उससे भी बहुत फायदा मिलेगा। बात करूंगा दोस्तों तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्ति सात मार्च 2019 से सितंबर 2020 तक मिथुन राशि में उच्च के राहु का फल नाइन्थ हाउस में, भाग्य के घर में, धर्म कर्म के घर में, मतलब भक्ति बढ़ा देंगे। तुला राशि वालों का इस साल में धर्म कर्म के काम ज़्यादा हो जाएंगे। कोई वैष्णो देवी जी जाना चाहते हैं, रामेश्वरम जाना चाहते हैं, आप तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं, चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस वर्ष आपके होने के चांसेस हैं जो तुला राशि के व्यक्ति हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों की बात करें तो कुछ काम, बने बनाए काम रुक सकते हैं, थोड़े से काम, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, कुछ काम में अड़चन आएगी, फाइनेंशियल कुछ कामों में थोड़ा लेन देन सावधानी से करें। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट की बात थी, अगर आपकी कोई बाहर की प्लानिंग चल रही है तुला राशि में स्वामी शुक्र, और तुला राशि में स्वामी शुक्र राहु देव के मित्र राक्षस ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, तो तुला राशि वालों को भाग्य घर में राहु देव फॉरेन सेटलमेंट कराते हैं। फॉरेन की कोई पीआर आपने अप्लाई की है, पीआर आ जाएगी, कोई वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा मिल जाएगा, घूमने का चांस बनेगा। धर्म कर्म के अलावा मौज मस्ती एंटरटेनमेंट के लिए भी आप बाहर जाएंगे। थोड़ा सा तीसरे घर में, जब भाग्य घर में राहु आ गए तुला राशि में, तो तीसरे घर में पार्टनरशिप में भाई बहनों में केतु भी आ गए, तो यहाँ थोड़ी सी क्या पार्टनरशिप में और भाई बहनों के साथ रिलेशन सावधानी से बरतें, वहाँ पर थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं। हो सके तो एक आप कोई पवित्र नदी में, गंगा जी में या कोई भी पवित्र नदी में, कहीं भी देश और दुनिया की किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगा के आए तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा जी की पूजा करें, ओम दुम दुर्गा यही नमः, ओम दुम दुर्गा यही नमः, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः मंत्र का तुला राशि वाले व्यक्ति पाठ करते रहें। दुर्गा जी के आगे रोज देसी घी का दीपक जलाएं, सूर्य को जल दें तो आपका जरूर कल्याण होगा। नारायण जी, बात करेंगे वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को राहु देव, जो कि अपनी 18 साल बाद मिथुन उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 7 मार्च से लेकर 2019 से और सितंबर 2020 तक अपनी उच्च की मिथुन राशि में, वृश्चिक राशि वालों को आठवें घर में रहेंगे। आठवें घर में रहने का ये मतलब हेल्थ इश्यूज, गुप्त रोग, इन्फेक्शन और ऑपरेशन के चांसेस, विदेश यात्रा किसी न किसी मतलब से, किसी न किसी काम से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मानसिक थोड़ी परेशानियाँ जरूर मिलेगी आपको, लेकिन अगर आप कुछ उपाय करते रहेंगे धर्म कर्म, तो जरूर इस आठवें घर के राहु देव के बुरे लक्षणों से आप बच जाएंगे। राहु देव आठवें घर में जब आते हैं तो सेकंड में केतु भी आ जाते हैं, तो सेकंड में केतु भी उच्च के हैं। हाँ, धन बढ़ेगा, लेकिन खर्च कहाँ होगा? विदेश यात्रा या रोग पे या कोर्ट कचहरी पे, लिटिगेशन पे। तो आपके पैसे को अगर आप बचाना चाहते हो तो इस वर्ष आप फॉरेन कंट्री के ट्रैवल बढ़ा दो, यकीन मानिएगा बचत हो जाएगी। बात करूंगा जो वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंट हैं, वो अगर इस वर्ष में थोड़ी मेहनत अच्छे से कर लें तो वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति इस वर्ष कुछ बड़ा पटाखा कर सकते हैं, बड़ा धमाका कर सकते हैं, सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वर्ष आपको। सेकेंड हाउस कंपिटिशन में सक्सेस दिलाता है सेकेंड का केतु,
आप अगर वृश्चिक राशि वाले हैं तो धनु राशि में केतु महाराज उच्च के आपके धन स्थान पे सेकंड हाउस में हो गए और राहु देव कहाँ हुए? आठवें में। खैर, तो उपाय आपने क्या करना है, शनिवार के दिन दोपहर 12 बजे से पहले नीले वस्त्र दान कर दो। 12, 11:30, 12 बजे नीले रंग के कपड़े लेकर के शनि मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दो, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति। मित्रों, बात करेंगे धनु राशि वाले व्यक्तियों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों की खुद की राशि में 18 साल बाद केतु महाराज आपकी राशि में सितंबर 2020 तक के लिए परमानेंट आ गए हैं। जब केतु सेकंड में धन स्थान पे धनु राशि में आपकी लगन में ही जब आपकी अपनी राशि में आ गए और राहु देव आपकी कुंडली में सातवें घर में यानी पत्नी के घर में आ गए आपकी मिथुन राशि के अंदर, धनु मिथुन आमने सामने, तो जब सातवें घर में राहु देव मिथुन राशि में उच्च के होकर के चलेंगे, शादी नहीं हो रही अगर धनु राशि वालों की तो शादी हो जाएगी, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, उच्च के है ना, और लगन में केतु कंपटीशन में सक्सेस, सफलता, विदेश भ्रमण, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर देंगे, मान सम्मान इज्जत रिस्पेक्ट बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपके एक्सटर्नल अफेयर चल रहे हैं तो घर में कलेश के कारण भी राहु देव और लगन के केतु आपको जेल यात्रा तक भी, परेशानियां भी, झगड़ा झंझट भी दे सकते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर हैं तो राहु देव यहां पर नेगेटिव हैं, नहीं है अगर आप सीधे साधे रास्ते चल रहे हैं तो सातवां राहु धनु राशि वाले व्यक्तियों को मालामाल करने वाले हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ ये साल थोड़ा शांति से निकाल लिया, प्यार से उसको खुश करके, उसको गिफ्ट देके, खाना देके, प्यार मोहब्बत से, तो आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। समझ पा रहे हैं आप? सिर्फ राहु देव के एक उपाय करने मात्र, राहु देव का धनु राशि वाले व्यक्ति क्या उपाय करेंगे, पत्नी को खुश रखेंगे और राहु केतु की शांति के लिए अगर हो सके तो अनुष्ठान कर लें। धनु राशि वाले, स्पेशली धनु राशि वाले, राहु का भी और केतु महाराज का बीज मंत्रों का पाठ करवा दें, मजा आ जाएगा, इतना मजा आप सोच भी नहीं सकते। हेल्थ भी अच्छी, बिजनेस भी अच्छा, मैरिड लाइफ भी अच्छी, घरवाली बाहर सब कुछ अच्छा। बात करेंगे दोस्तों मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों को क्या उपाय करना चाहिए, जो 7 मार्च को राहुदेव आए हैं ये आपके सितंबर 2020 तक आपकी राशि में क्या इफेक्ट करेंगे, छठे घर में गोचर करेंगे। तो राशि क्या हुई आपकी? मकर। मकर से राहु देव, मकर कुंभ मीन मेष वृक मिथुन करक, तो मिथुन कहाँ हुई? छठे घर में। तो छठे घर में शत्रु को दबा देंगे राहु देव, शत्रु को तो खत्म ही कर देंगे। मकर राशि वालों को खुशखबरी कि दुश्मन एकदम टिक जाएगा आपका। छोटे मोटे रोग, छोटी मोटी बीमारियां तंग करेगी, खुशियां बहुत मिलने वाली हैं। हाँ, कैरियर में, जॉब में प्रमोशन आपकी पक्का समझो हो गई। छठे घर में मिथुन राशि के राहु, 12 घर में कहां चले गए? केतु महाराज। तो फॉरेन ट्रेवल, यात्राएं ज्यादा, खर्चे बहुत होने वाले हैं। मकर राशि वालों की तसल्ली हो जाएगी इस वर्ष में, इतने खर्चे होंगे कि नानी याद आ जाए। बैंक के हालात, कर्ज लेन देन सावधान रहिएगा, थोड़ा बैंक से लोन वो सोच समझ के लीजिएगा। लोन तो लेना ही पड़ेगा, कर्ज तो चढ़ेगा। बारवां केतु, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के हालात से बिल्कुल बच के रहिएगा। पता चले कुछ, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए मकर राशि को बिल्कुल सावधान रहना है। और मकर राशि वालों के लिए उपाय स्पेशली क्या है, मकर राशि वाले अगर बैंक से आप चीटिंग नहीं करते, फ्रॉड नहीं कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे, तो भैरव मंदिर में जा करके एक नारियल चढ़ाया आना, प्रार्थना करके संडे के दिन, एतवार के दिन, रविवार के दिन
ऐसा करने मात्र से बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, शराब अगर आप पीते हैं तो थोड़े कंट्रोल रखिएगा, बाकी सब बहुत बढ़िया। दोस्तों, बात करूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। कुंभ राशि के पांचवें घर में उच्च के मिथुन राशि के राहु, जो कि 7 मार्च 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक परमानेंट अपनी मिथुन राशि में रहेंगे, इसका कुंभ राशि में क्या इफेक्ट होगा पांचवें घर में। पांचवा घर संतान की थोड़ी चिंता, लेकिन संतान की चिंता तो होगी, लेकिन संतान की चिंता मिट भी जाएगी। बच्चे सक्सेस होंगे, कंपटीशन में पास होंगे, उनकी जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, उनके एग्ज़ाम अच्छे हो जाएंगे, बच्चों के ब्याह शादियों की जो प्लानिंग चल रही थी कुंभ राशि वाले लोगों की, वो एकदम सॉल्व हो जाए, पक्का सॉल्व होने वाली है। आपके अगर बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, उनके रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो अब आपकी टेंशन ख़त्म। राहु देव ने पंचम में उच्च के और 11 में केतु, आपको बैंक से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। कोई सब्सिडी लेना चाह रहे हैं, सब्सिडी मिल जाएगी। कोई बड़ा धन कहीं से आवेदन किया हुआ है, कहीं से बड़ा पैसे का लेन देन आपने प्लान किया, वो मिल जाएगा। कुंभ राशि वालों को मुझे लगता है राहु देव ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट देना है। सितंबर 2020 तक राहु देव का आप धन्यवाद करना, अच्छे कर्म करना, जीवन साथी के साथ थोड़े से अच्छे विचार मिला के रखो। पांचवा घर वैसे लव का होता है, प्रेम का होता है, बुद्धि का होता है, एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट का, इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। किसको? कुंभ राशि वालों को और कुंभ लगन वालों को और जिनकी जन्म राशि कुंभ है, उन सब को बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को उपाय क्या करना है? 7 प्रकार के अनाज जो हैं वो आपने पक्षियों को डालते रहना है और पेड़ पौधे दबा के लगाने इस साल में। और पेड़ पौधे कौन से? नीम के पेड़ अगर लगाएंगे तो मजा आ जाएगा। अंत में बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वाले व्यक्ति, आपकी कुंडली में मिथुन राशि के उच्च के राहु 18 साल बाद आपको क्या लाभ देने वाले हैं? राहु देव मिथुन राशि में, यानी आपकी कुंडली में चौथा हाउस पब्लिक रिलेशन, पॉलिटिक्स, राजनीति, माता, वाहन, उच्च वाहन, विदेश यात्रा, छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, 4th हाउस। तो मीन राशि वाले व्यक्तियों को इस वर्ष में कुछ अच्छा होने की संभावना है। चौथे घर में राहु देव ने कुछ अच्छे चमत्कार करने हैं। सेहत का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, कारण 4th हाउस कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारक, स्ट्रेस देता है, चिंता देता है। मीन राशि वाले व्यक्तियों को कंपटीशन में सक्सेस मिलेगा, राजनीति में सक्सेस मिलेगा, पॉलिटिक्स में अगर आप प्लान कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उसमें सक्सेस मिलेगी। खर्च बहुत ज्यादा होएगा इस साल में आपका। चौथा घर माता का भी है, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और पिता के साथ 10वें घर में केतु उच्च के धनु राशि में, तो कहीं ना कहीं मीन राशि वाले व्यक्तियों को आपके चौथे घर में राहु और 10वें में केतु, माता पिता की सेवा करें, माता पिता के साथ में अच्छे संबंध बना के रखें। उपाय के तौर पे आपको राहु केतु के अनुष्ठान कराने चाहिए और शनिवार के दिन जरूरतमंदों को आपने खाना खिलाना, लंगर लगाने हैं। अगर आपको व्यक्तिगत मेरे से डिस्कशन करनी है, आपकी पर्टिकुलर आपकी कुंडली में राहु केतु के क्या फल हैं, बिजनेस के बारे में अगर आपने डिस्कशन करनी, स्पेशली बिजनेस कैरियर गाइडलाइन, बिजनेस डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से ग्रहों को हम अच्छा कर सकें जिससे आपके कारोबार चलें, आपके बिजनेस चलें, आपके करियर में 4 चांद लग जाएं, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में कोई परेशानियां चल रही हैं उसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे, ये राहु केतु के 2 उपाय आपको बताऊंगा। अगर आपने पर्सनली कंसल्टेंसी लेनी है तो आप मुझसे चंडीगढ़ में आकर के मिल सकते हैं और टेलीफोनिकली भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी एक नए विषय के साथ। तब तक आप राहु केतु के बारे में आपने आज बहुत कुछ जाना, इसको और सुने,
और लोगों को भेजें और लोगों को बताएं उनकी राशि में क्या फल हैं, ताकि सबको लाभ मिल सके। हमारी वैसे भी एक इच्छा रहती है कि हम सबका सबको लाभ दे सकें। तो कहीं ना कहीं मित्रों, आपने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दबा के। और हमने नया चैनल, हमारा आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं, एक और नया चैनल हमने लॉन्च किया है, नारायण एस्ट्रो इंडिया। और हमारी वेबसाइट भी है narayanastroindia.com, narayanguruji31@gmail हमारी मेल आईडी है। आप हमें मेल पे भी आप हमें आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और हमारा सिर्फ एक ही नंबर है मित्रों, 90116 Penta 4, और कोई भी नंबर नहीं है। आप इस नंबर से जब भी कॉल आए या इस नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं मिलने के लिए। नारायण जी चंडीगढ़ में रहते हैं, जैसा कि आप जो पुराने लोग हैं वो तो सब जानते ही हैं हमारे स्वभाव को और हमारे विचारों को। जो आप नए लोग जुड़े हैं, आप सबके लिए मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो देखिए, उपाय कीजिए और लोगों को आगे भेजिए, ताकि सबका लाभ, सबको लाभ मिल सके। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।